कांग्रेस से जो भी प्रतिनिधि यहाँ से चुन करके गए वो वोट यहाँ से ले जाते थे, लेकिन वो गुलामी करते थे अपने कश्मीर केंद्रित आकाओं की और अपने मंत्री पद सुरक्षित रखने के लिए, अपना घोड़ा गाड़ी बंगला सुरक्षित रखने के लिए वो इस क्षेत्र के हित को त्याग देते थे। तो क्या बीजेपी ने इसको रद्द करके अब नई दिशा दी है? पिछले 10 वर्षों में कोई ऐसी मांग ना थी जो मोदी जी के आगे रखी गई हो, जो पवन गुप्ता जी ने हम तक पहुँचाई, हमने आगे फॉलो की पर जो पूरी नहीं हुई, वही इसका कारण है कि आज इस प्रकार यहाँ पर सड़कों का जाल बिछ रहा है, यहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट बन रही है।